Hi, good morning dear students. Welcome back to my YouTube channel that is Glossary of Biology by Virendra sir. Guys, let's start with a new topic of our female reproductive system. That is topic number 6 and 7 of female reproductive system. 6th topic is known as Bartholin gland and 7th one is known as mammary gland. Previous 5 topic that is ovary, fallopian tube, uterus, vagina, all 5 parts of female reproductive system we discussed in the previous lecture. Those candidate does not see those video, link given in description box, refer the link. Guys, let's start with our 6th topic of female reproductive system. This is our 3rd lecture of female reproductive system. 3rd lecture of female reproductive system in which we discuss about 6 Bartholin gland and 7th one is mammary gland. We start with Bartholin gland. What do you mean by Bartholin gland? What is the function of Bartholin gland? First we discuss about what do you mean by Bartholin gland. Bartholin glands are the accessory glands of female reproductive system which are homologous to Cowper's gland of male. What I say? First, accessory gland is also known as vestibular gland. Second, it is also known as Bartholin gland. Bartholin gland is pair of glands which is homologous to Cowper's gland of male. Cowper's gland is also known as bulbourethral gland. We discussed in the previous lecture Cowper's gland is also known as bulbourethral gland in internal genitalia of male reproductive system. हाँ गाइस, अगर हम बात कर रहे हैं कि Bartholin gland तो Bartholin gland वही बोला जाता है vestibular gland और accessory gland. जिसका मेजर आपको याद रखना है कि हमारे बॉडी में मींस फीमेल ह्यूमन फीमेल के बॉडी में कितने हैं, दो प्रेजेंट हैं, मींस एक पेयर में हैं जो होमोलोगस है. होमोलोगस मैंने आपको बताया है, होमोलोगस ऑर्गन्स मींस कैसे वाले. होमोलोगस ऑर्गन की डिफाइन क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स एच मैंने आपको बताया था, एच डी एस वर्ड याद रखो, जो फंडामेंटली डिफरेंट है लेकिन फंक्शनली कैसे रहे, सिमिलर रहे. फंडामेंटल मतलब कैसा, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर. तो ये क्या करता है, ये ओपन होता है वेस्टिब्यूल में जिसके कारण इसको वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोला जाता है, जो सीक्रेट करता है ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड. वजाइना में जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है. तो यहां तक हमारे पास में इसके बारे में दिया गया है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के समान आपने बता दिया किसके समान है, काउकस ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के समान है होमोलोगस. कौन सा, बार्थोलिन ग्लैंड. गाइस कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बार्थोलिन ग्लैंड को हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लिखते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है. ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप, दोनों अलग अलग चीज है. इसी के बाद में हमने 1 और 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर नंबर 1 और 2 में पूरा डिस्कस किया. जिन्होंने भी देखा नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए प्रॉपर वे से आप फुल चैप्टर का, जो भी आपको फुल टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो अच्छे से देख सकते हैं. देन इसी के बाद में हमारा 7th वन, 7th टॉपिक है. कौन सा 7th टॉपिक को बोला गया है, मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड है जो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, फीमेल में. आप बोलोगे सर मेल में नहीं है, बिल्कुल है मेल में भी है लेकिन फंक्शनल नहीं है. मेल के बॉडी में है लेकिन फंक्शनल नहीं है, वहां से सीक्रेट नहीं होता है मेल. और एक सिंड्रोम है जिसमें सीक्रेट हो सकता है, या तो उसके वजह से मेमोरी ग्लैंड ब्रिस्ट से डेवलप होते. कौन सा हमने बताया हुआ है, कौन सा है, 3 सिंड्रोम पड़े थे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. गाइस आंसर निकाल लो इसमें से, आपको मैं याद नहीं आ रहा होगा. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें क्या होता था, रहता मेल था स्टराइल मेल, लेकिन उसके बॉडी में ब्रिस्ट का डेवलपमेंट है जिसको बोला जाता है गायनेकोमास्टिया. ये वर्ड लिख के रखो, कौन सा, गायनेकोमास्टिया. डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट इन मेल इज नोन एज गायनेकोमास्टिया. ये लिख के पेपर में एक बार आया हुआ है. व्हाट इज मीन बाय गायनेकोमास्टिया, मतलब आपके पास में गायनेकोमास्टिया लिखा था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको याद रखना है डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट सेल और मेमोरी ग्लैंड इन मेल इज नोन एज गायनेकोमास्टिया व्हिच इज अ सिम्पटम ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ये भी याद रखो. देन इसी के मेमोरी ग्लैंड की बात करो तो मेमोरी ग्लैंड फीमेल के बॉडी में थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है. ये जो कैविटी है स्टार्ट कहां से होती है, सेकेंड रिब से 4th रिब के बीच में है. मेमोरी ग्लैंड जो है फीमेल के बॉडी में पेयर्ड स्ट्रक्चर है जहां से क्या सीक्रेट होता है, मिल्क सीक्रेट होता है. तो जिसमें हमें याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन और ईस्ट्रोजन किसको रेगुलेट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल में कब आते हैं, प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद, मींस एडोलेसेंस स्टेज में डेवलप होते हैं. लेकिन मिल्क का सीक्रेशन कब होता है, प्रेगनेंसी पीरियड.
मींस पार्शियल रीजन के पीरियड में। तो देन हम पूरा डिस्कस करते हैं डिटेल में गाइस। मेमोरी ग्लैंड्स मींस क्या, मेमोरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन कौन से हॉर्मोन्स है, एग्जैक्टली कहां पे सिचुएटेड है, और साथ में कौन से लैक्टिक एसिड ट्यूबुल है, 15 टू 20 कौन सी ओपनिंग है जहां से मिल्क सीक्रेट होता है, मेमोरी ग्लैंड का जो बाहर वाला कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है, जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें जो ब्राउन कलर है उसको क्या बोला जाता है, सब डिस्कस करते हैं फटाफट। देखते चलिए मेमोरी ग्लैंड का ब्रीफ इंफॉर्मेशन। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छे सुन लीजिए, टॉपिक इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट और साथ में आपको सीक्वेंस याद आना है। मैं अभी आपको गारंटी लेता हूँ आपको पूरा याद हो जाएगा सबका सब, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी ग्लैंड आ सकता है 2 मार्क्स क्वेश्चन की, मेमोरी ग्लैंड सिर्फ इतना आ सकता है कि ओपनिंग कहाँ पे होती है और कहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पॉइंट नंबर जो थर्ड दिख रहा है ये पूरा जो मैंने टी डायग्राम बनाया है एग्जैक्ट बुक के हिसाब से प्रॉपर वे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बनाया हुआ है, आप प्रॉपर वे से देखते रहिए। सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम के नीचे वाले पैरा से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर हमारे पास में लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये क्या है, सबसे पहले तो राउंडेड ऑर्गन प्रेजेंट है, राउंडेड ग्लैंड है, आपने लोकेशन बता दिए, पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस ठीक है, हमारे पास में क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस सब लेयर रहती है, तो सबक्यूटेनियस लेयर है जो हमारे पास में फैटी टिश्यू की, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ एंटीरियर थोरैक्स, ये हमारी थोरैसिक कैविटी, तो थोरैक्स इन द पेक्टोरियल रीजन। अब हमारे जो गर्डल है ना, ये नेक वाला रीजन, तो इसको बोलाते हैं पेक्टोरियल गर्डल, तो जिसके कारण ये जो रीजन हो गया है रीजन को क्या बोलेंगे, पेक्टोरियल रीजन। कहां से कहां तक के, सेकंड टू सिक्स्थ रिब तक के सिचुएटेड, मतलब सेकंड फोर सिक्स, सेकंड टू फोर के बीच में सिचुएटेड क्या है, मेमोरी ग्लैंड। फिर से एक बार पॉइंट अच्छे से देखो, दीज आर अ राउंडेड पेयर्ड स्ट्रक्चर, राउंडेड पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द कहां पे प्रेजेंट है, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द पेक्टोरियल गर्डल इन द एंटीरियर थोरैक्स बिटवीन 2 to 6 रिब, यहां तक हमारे पास में हमारा लोकेशन। देन सेकंड आपको याद रहा है मेमोरी ग्लैंड में दो चीजें प्रेजेंट रहती है, फर्स्ट तो फैटी कनेक्टिव टिश्यू, आपको फैट्स दिख रहे हैं आजू बाजू में स्ट्रक्चर में डायग्राम में देखिए, साथ में मेमोरी डक्ट्स, मेमोरी डक्ट्स वो काम का है हमारे पास में, जो मेमोरी डक्ट से ही क्या सीक्रेट होता है, मिल्क सीक्रेट होता है। इसी के बाद में एक और याद रखेंगे, फीमेल के बॉडी में अगर मेल के बॉडी में स्वेट आ रहा है तो नॉर्मल स्वेट है जिसको बोलेंगे आप स्वेट ग्लैंड, लेकिन अगर फीमेल के बॉडी में आपको याद रखना है, फीमेल के बॉडी में ही मेमोरी ग्लैंड को बोला जाता है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी नीट के पेपर में, डैश ग्लैंड इज नोन एज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड इज नोन एज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड फीमेल के बॉडी के लिए मैक्सिमम याद रखें, मेल के बॉडी में भी फीमेल के बॉडी में, लेकिन फंक्शनल किसके बॉडी में, फीमेल के बॉडी में। यह तक के दो पॉइंट आप अच्छे से याद रखो, देन स्टार्ट करें हमारा मेजर, आपको याद होना है इसके बाद वाला बहुत कंसेप्चुअल है। ग्लैंडुलर टिश्यू मींस क्या, मेमोरी ग्लैंड के टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड के टिश्यू डिवाइडेड है किसमें, मेमोरी ग्लैंड जो है उसके टिश्यू ग्लैंडुलर मींस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के टिश्यू डिवाइडेड है 15 टू 20 इररेगुलरली शेप्ड ओपनिंग में, जिसको बोला गया है मेमोरी लोब्स, क्या बोला गया है मेमोरी लोब्स। मैंने फर्स्ट क्या बताया, मेमोरी ग्लैंड डिवाइडेड है 15 टू 20 ओपनिंग में इररेगुलरली शेप्ड ओपनिंग में, जिसको बोला गया है मेमोरी लोब। ये मेमोरी लोब डिवाइडेड है दो, इसमें फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर ग्लैंड, सेकंड वन इज लैक्टिफेरस ग्लैंड। एल्वियोलर ग्लैंड, आपने एल्वियोलर सुना ना गाइस, आप लोगों ने सर ये तो हमारे लंग्स से रिलेटेड एल्वियोलर, बिल्कुल वही वाला। अभी हमारे पास में अगर मैं बात करूं सिंपल, फीमेल की बॉडी में मेमोरी ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है, थोरैक्स 2 टू 6 के बीच में, अरे उसी के बीच में सिचुएटेड क्या है, लंग्स। और लंग्स का काम क्या रहता है, लंग्स क्या कराता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या कराता है, एक्सपेल आउट कराता है, साथ में सीक्रीशंस करता है बहुत सारी, तो आपको याद रखना है उसके पास में एल्वियोलाय प्रेजेंट रहते हैं। ये जो मेमोरी ग्लैंड, वो जो एल्वियोलाय और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो अलग वाले हैं, और ये जो है ये मेमोरी ग्लैंड के साथ अटैच्ड वाले एल्वियोलाय, मतलब फीमेल के बॉडी में दो टाइप के एल्वियोलाय रहते हैं, एक रेस्पिरेटरी एल्वियोलाय, सेकंड मिल्क सीक्रेटरी एल्वियोलाय व्हिच इज हेल्पफुल फॉर सीक्रीशन ऑफ मिल्क। तो अच्छे से याद रखो, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे मिल्क के लिए फीमेल के बॉडी में, लंग्स के जस्ट आगे में सिचुएटेड है, क्योंकि क्या फीमेल के बॉडी में चेस्ट वाली कैविटी में थोरैसिक कैविटी में क्या मेमोरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे याद रखो एल्वियोला एक रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करती है फीमेल के बॉडी में, दूसरा मिल्क का सिक्रीशन करती है, ठीक है। हाँ, अब
आपने बता दिए ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब मेमोरी टिश्यू, मेमोरी ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 ओपनिंग व्हिच इज नोन एज मेमोरी लोब्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू ईच मतलब 15 से 20 जो है ना, 15 से 30 जो है हर एक डिवाइडेड है किसमें, एल्वियोलर ग्लैंड में, लैक्टिफेरस ग्लैंड में। मतलब अगर मैं बता रहा हूं 1 टू किसी फीमेल में 1 टू 18 है लोब्स, तो ये जो 1 वाला है वन वाला भी दो इसमें डिवाइडेड है, टू वाला भी दो इसमें डिवाइडेड है, 18th वाला भी दो इसमें डिवाइडेड है, एल्वियोलर ग्लैंड एंड लैक्टिफेरस ग्लैंड। तो फर्स्ट हम देखते हैं एल्वियोलर ग्लैंड के बारे में। तो एल्वियोलर ग्लैंड जो है ये सीक्रेट क्या करता है, मिल्क का सीक्रेट करता है ड्यू टू द टू हॉर्मोन्स, फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन, सेकेंड वन इज प्रेगनेंसी हॉर्मोन प्रोजेस्टेरोन। और मेजर एक और हॉर्मोन यहाँ पे ऐड हो जाता है, कौन सा, प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन। गाइस वर्ड अच्छे से याद रखेंगे, प्रोलैक्टिन विच इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटियोट्रोपिन, ल्यूटियोट्रोपिन। तो प्रोलैक्टिन वर्ड भी याद रखो, और ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन भी वैसे उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और ल्यूटियोट्रोपिन विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन। हाँ, तो ईस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण मिल्क सीक्रेट हो रहा है, और वो जो एल्वियोलाय में मिल्क था अब वो बता दिया आपने एल्वियोलर ग्लैंड सीक्रेट मिल्क, एल्वियोलाय ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो ये जो एल्वियोलाय है जो अटैच्ड है मेमोरी ग्लैंड से वो कहां पे खुलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स अब कहां पे ओपन होते थे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स अभी हमने बताया था आपको एक के पास में दो, दूसरे वाले भी दो ग्लैंड बना रहे। अब मैं कुछ बात बताऊं, फर्स्ट वाले का एल्वियोलर ग्लैंड ने सीक्रेट किया मिल्क, सेकेंड वाले के भी एल्वियोलर ग्लैंड ने सीक्रेट किया मिल्क। अरे इतना सारा जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है 1 टू 18 वाले ये सब क्या करेंगे, हर एक लोब एक ट्यूब्यूल बनाएगा। तो एल्वियोलाय ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स दैट इज ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब। अब सब ट्यूब्यूल के लोब जो है वो कहां पे, वो ज्वाइन करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते जिसको बोला गया है मेमोरी डक्ट। मतलब हमारे पास में एल्वियोलर ग्लैंड ने सीक्रेट किया मिल्क, दूसरे वाले में सीक्रेट मिल्क, तीसरे वाले में, ऐसे 18 की मैंने बताया एग्जांपल के तरीके, सब ये 18 वाले जो है ये एक जगह ओपन होते हैं जिसको बोला गया है मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट का मेजर फंक्शन, अब ये बहुत सारे मेमोरी डक्ट बनेंगे, तो ये जितने भी मेमोरी डक्ट्स है ये मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला, जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं मेमोरी एम्प्यूला। यहाँ पे गाइस हमारे पास में एल्वियोलर ग्लैंड का फंक्शन हो गया, मींस क्या किया उसने, जो 15 से 20 ओपनिंग थी उसमें से 18 हमने पकड़े थे एग्जाम्पल, या तो 15 से 20 ओपनिंग के हर एक सीक्रेट किया मिल, ये सभी ने ईच लोब से मिल सीक्रेट होके क्या बना लिया, मेमोरी डक्ट। बहुत सारे मेमोरी डक्ट अभी मिल गए, तो मेमोरी डक्ट मिलके क्या बना लिए, मेमोरी एम्प्यूला। अब मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू फॉर्म, अब मेमोरी एम्प्यूला कहाँ पे ओपन होता है, नेक्स्ट हमारा सेकंड जो टाइप था कौन सा था, लैक्टिफेरस ग्लैंड और लैक्टिफेरस डक्ट, तो वो ओपन होता है यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट में। तो ये हमारा लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हुआ, और लैक्टिफेरस डक्ट दीज आर कन्वर्ज टूवर्ड, अब ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है ये कन्वर्ज होते हैं और कहाँ पे, निप्पल पे ओपन होते हैं, फीमेल के बॉडी में जो निप्पल वाला आगे का स्ट्रक्चर रहता है जहां से मिल्क सक करता है बेबी, तो वहां पे ओपन होता है। और निप्पल किसका पार्ट है, टिप ऑफ द ब्रीस्ट सेल, टिप ऑफ द ब्रीस्ट सेल। मतलब अगर मैं एग्जांपल अच्छे से आपको प्रॉपर वैसे मैं बताऊं, ये तो हमारे पास में हमने पकड़ के चलो, ये फीमेल के बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का अगर स्ट्रक्चर है निप्पल वाला स्ट्रक्चर, हाँ गाइस यहाँ पे हमारे पास में ये लंग्स अटैच्ड है फीमेल के बॉडी में, इसी के बाद में आपने बताया यहाँ पे एल्वियोलर के टिश्यू प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं बहुत सारे एल्वियोलर टिश्यू ये सब ओपन होके कहाँ पे आते हैं, मेमोरी डक्ट में, और ये बहुत सारे मेमोरी डक्ट बन के एक बनता है मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला बनने के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट है लैक्टिफेरस डक्ट, और ये सभी लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल के सीक्रेट होके क्या सीक्रेट कर रहे हैं, मिल्क सीक्रेट। तो सिंपल सी फिजियोलॉजी दी है हमारी इसके बारे में, मेमोरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन। एक लास्ट वर्ड याद रखेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज टुवर्ड निप्पल विच इज लोकेटेड नियर द टिप ऑफ ब्रीस्ट, इसी के बाद में जो ब्राउन कलर का जो पार्ट रहता है
डार्क वाला पार्ट रहता है निप्पल के जस्ट आसपास का सराउंडेड, वो पार्ट को बोला जाता है एरोला। ये क्वेश्चन क्या आया हुआ एक बार, एरोला मतलब क्या है, निप्पल के जस्ट आजू बाजू में आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का पार्ट रहता है जिसको बोला गया है एरोला। यहाँ तक गाइस हमारे पास में इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में आपको मेजर याद रहा है, फीमेल के बॉडी में प्यूबर्टी स्टेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करते हैं। एग्जैक्टली मेल को सीक्रेट करने के लिए प्रोलैक्टिन हेल्प आता है, जिसी का अल्टरनेटिव नेम मैंने आपको बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एक और वर्ड बोला गया LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहां तक गाइस हमारे पास में मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर वे से आप अच्छे से पढ़ो। देन इसी के बाद में आपको नीचे में एक और वर्ड दिख रहा होगा ब्रीस्ट कैंसर, देखते चलो फटाफट ब्रीस्ट कैंसर कैसे होता है। हां स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारे पास में नेक्स्ट है ब्रीस्ट कैंसर। मैंने इसके पहले आपको यूटेराइन कैंसर, मेल में जो एक और कैंसर था टेस्टिकुलर कैंसर, फीमेल में यूटेराइन कैंसर, उन दोनों के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है आपने, जिसने भी देखा नहीं वो लेक्चर में आप देख सकते हैं। इसी के बाद में बात करता हूँ ब्रीस्ट कैंसर। ब्रीस्ट कैंसर मैक्सिमम फीमेल में होता है क्योंकि फीमेल के पास में ब्रीस्ट और मेमोरी सेल कैसे रहते हैं, डेवलप्ड रहते हैं और फंक्शनल रहते हैं। तो ब्रीस्ट सेल के अंदर में लम्स आ जाना, कभी भी आपने देखा होगा हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे गुटली समान और गोला साइड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम अगर प्रेस करते हैं तो आसपास में ऐसा लगता है कुछ तो भी गोला बना है और कभी पेन नहीं होता उसमें। सेम कॉन्सेप्ट ब्रीस्ट सेल के साथ में और ब्रीस्ट कैंसर में है कि जो फीमेल के बॉडी में ब्रीस्ट सेल है उसके अंदर में लंब बन जाएंगे और पेनलेस रहेंगे, उसमें पेन नहीं हुआ। ये सबसे फर्स्ट सिम्टम है अगर किसी को ब्रीस्ट कैंसर हुआ तो फीमेल में फर्स्ट। देन उसी के अंदर सेकंड सिम्टम लंब ब्रीस्ट बनते हैं उसके अंदर पेनलेस रहता है, लेकिन स्वेलिंग आएगी मेमोरी ग्लैंड्स में, स्किन इरिटेशन होगा। देन ब्रीस्ट ऑफ निप्पल, ब्रीस्ट अंदर में जो लंब था उसमें पेन नहीं होगा, लेकिन ब्रीस्ट में क्या होगा पेन होगा, साथ में निप्पल में भी सीवियर पेन होगा जो फीमेल को रिकॉग्नाइज होगा। अगर कॉटन का अगर कपड़ा दिया गया वो भी ब्रीस्ट सेल को टच हो रहा तो भी सीवियर पेन होगा, सोचा गाइस बहुत बेकार रहता है वो पेन। देन इसी के अंदर रेडनेस आना ही है, सिंपल सा स्वेलिंग आई रेडनेस आएगी, इचिंग होगा, पेन होगा, साथ में ठीक नहीं होगी, डिस्चार्ज कभी कभी अनयूजुअली अनओकेशनली मिलेगा सिक्रीशन या तो पस लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते चलेगा। तो ये सब सिम्टम्स है ब्रीस्ट कैंसर है। इसी के बाद में आप डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो ब्लड टेस्ट मोस्ट कॉमन है, ब्लड टेस्ट। देन सबसे मेजर मेमोग्राम निकाल सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम हार्ट के लिए निकालते हैं वैसे मेमोग्राम निकाल सकते हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजी अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं, बायोप्सी बायोप्सी मीन्स आप वहाँ के टिश्यू को निकाल के अल्ट्रा का माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कि वहाँ पे सेल का रिपीटेटिवली बहुत ज्यादा ओकेशनली और रिपीटेटिवली डिविजन हो रहा है क्या एक्स्ट्रा वाला, तो वो भी आप बायोप्सी टेस्ट से देख सकते हैं। देन ट्रीटमेंट में सबसे फेमस है प्लास्टिक, कौन सी मेमोप्लास्टिक सबसे फेमस है बाद में, और बहुत सारे आप कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी करा सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी ये सब करा सकते हैं, लेकिन मेमोप्लास्टी सबसे यूजेबल है। देन इसी के अंदर आपको डू यू नो में सेकंड आपको एक वर्ड दिखा हुआ डिफाइन आ सकती है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, विनिंग। तो विनिंग मतलब वी ई वाला नहीं है, ये वी आई विनिंग डब्ल्यू आई वाला नहीं है, ये क्या है डब्ल्यू ई ए विनिंग, ठीक है गाइस ये अच्छे से याद रखो। मदर का जो मिल्क है, मदर मिल्क जैसे ही फीमेल अपने बॉडी से मिल्क सीक्रेट करेगी और बेबी मिल्क सक कर रहा है, देन मिल्क सक करने के बाद में उसके बॉडी में मिल्क पीते बराबर ही क्या होता है उसको भूख शांत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो मिल्क है वो ग्रेजुअली इसमें कवर हो जाता है बेबी के फूड में, तो मदर्स मिल्क ग्रेजुअली रिप्लेस बाय सॉलिड फूड आफ्टर सम टाइम इन बेबी इज नोन एज वेनिंग। डिफाइन आपको अच्छे से याद रहना गाइस, यहाँ तक हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा तीन लेक्चर में कम्प्लीट किया है, प्रीवियस टू लेक्चर की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक लास्ट आपके पास में वही पेज में नीचे में लिखा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल एंड फीमेल और डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है मेल और फीमेल में डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कब हो रहा है, एडोलेसेंस स्टेज, मेल की बॉडी में 10 टू 14 ईयर के बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें सीक्रीशन और हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा ग्रेजुअली बढ़ता है जिसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेट होता है सीक्रीशन होता है मेल सेक्स हॉर्मोन, देन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अचीव होती है। सिमिलर केस फीमेल के बॉडी में है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है साथ में फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन फीमेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को लेके आती है। 10 टू 14 ईयर के बीच में फीमेल के बॉडी में साइकिल आती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल,
मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्ट होता है, द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इज नोन एज मिनार्के। और मिनार्के जो वर्ड आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, मिनार्के और मिनार्के। और उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट है तो उस स्टेज को फीमेल के लिए बोला जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, क्योंकि फीमेल तब क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सीक्रेट हो रहा होगा तो ओवम का सीक्रेशन है। देन एक स्टेज आती है 50 इयर्स एप्रोक्सीमेटली 50-55 इयर्स के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, जिसको बोला जाता है मेनोपॉज। तो गाइस यहां तक हमारे पास में दिया हुआ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में ओवम जो है हमारा, ओवम जो है फीमेल बॉडी में, जैसे हमने पहले पूरा मेल डेवलपमेंट पूरा पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने 3 लेक्चर बनाए हैं, देन हमने टीएस ऑफ टेस्टिस पढ़ा था, वैसे ही सेम हमारा रहेगा। हमने पहले पूरा फीमेल का इंटरनल जेनिटल ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पूरा कंप्लीट किया है, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओवम के बारे में और उसका डेवलपमेंट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइस प्रॉपर वे से फोकस करते रहो, अच्छा था आज का टॉपिक, सिर्फ इतना है कि कंसेप्चुअल है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम ओवम के स्ट्रक्चर के साथ में, तब तक कि आप प्रॉपर वे से फॉलो करते रहिए वीरेंद्र सर बायोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस।